मुझे लगता है आप सभी को पता है कि ये कौन सी जगह है। हाँ, मैं हावड़ा स्टेशन में हूँ। लगभग एक साल के बाद फिर से ये वाले स्टेशन पे मैं आया हूँ। मेरे घर से लगभग एक घंटे के जर्नी के बाद मैं पहुँचा हावड़ा स्टेशन रात के 10 बजे। अभी तक लाइफ में मैं जितने भी जगह घुमा हूँ ना, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मेरा ये है हावड़ा स्टेशन, क्योंकि जितनी बार मैं यहाँ पे आया हूँ ना, उतनी बार ही मैं किसी नए जगह पे पहुँचा हूँ इसी जगह से शुरुआत करके। स्टेशन के अंदर आने के बाद और वो लेजेंडरी पंखा देखने के बाद हमारा मन और भी ख़राब हो गया था। लेजेंडरी पंखा देख के नहीं, टाइम टेबल देख के, हमारा ट्रेन लेट था। तो फिर क्या, हम घूमने लगे और घूमते घूमते देखे कि इंडिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन तो यहीं पे बन रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस भी मैंने सामने से पहली बार ही देखा था, ये जो पुरी और हावड़ा के बीच में चलता है। मेरा ट्रेन था रात के 11:35 पर 12321 मुंबई मेल, जिससे मुझे नासिक उतरना था, लेकिन ट्रेन तो पहले से ही लेट था। 11:35 को छोड़ के जाने वाली ट्रेन 11:40 को स्टेशन में ही दिया था। हम अपना अगला 2 रात इसी ट्रेन में बिताने वाले थे और ट्रेन ने पहले से ही कंफर्म कर दिया कि हमारा ट्रेन लेट होगा। हम 2 दोस्तों के बीच खिड़की में बैठने के लिए मारामारी ना हो, इसलिए हमने साइड अपर साइड लोअर लिया था, लेकिन हमारा लक उतना अच्छा भी नहीं था। हमारा सीट नंबर था 79 और 80, इसका मतलब है पूरा टॉयलेट के सामने। पूरा 2 दिन हमें टॉयलेट की खुशबू सूखते हुए जाना था। ऐसा लग रहा था कि वंदे भारत ट्रेन भी हमारे ऊपर हंस रहा था और हंसते हंसते निकल गया। पचास मिनट लेट के बाद हमारा ट्रेन फाइनली स्टेशन को छोड़ दिया। ट्रेन चालू होने के बाद इतना तेज़ी से चलने लगा कि हमें लगा कि जितना लेट इसने करवाया है वो लेट मेकअप कर देगा और टाइम से पहले पहुंचा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो सिर्फ जर्नी का शुरुआत है। रात के 8 बजे मेरे काम से छुट्टी होने के बाद मैं डायरेक्ट आ गया था हावड़ा स्टेशन और वहीं से मेरा जर्नी का शुरुआत किया था। इसकी वजह से मेरा कुछ डिनर हुआ नहीं था, तो रात के 1:30 हम पहुँचे बर्धमान स्टेशन। मुझे ऐसे स्टेशन का खाना जमता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं इतनी रात को, तो थोड़ा पूरी सब्ज़ी ले लिए, यही हमारा रात का खाना था। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं खाना चाहते थे, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। खाना खाने के बाद मैं चला गया ड्रेस चेंज करने के लिए। काम से आया था वही कपड़ा पहना हुआ था और 2 दिन ट्रेन पर रहना है, तो उस हिसाब से मैं एक कपड़ा लेके आया था। बाहर तब तक बारिश चालू हो गया था, मानसून है, बारिश तो होगा, और पता नहीं मैं कौन से स्टेशन पे था, रात बहुत हो गई है, इसलिए मुझे सोना भी था। खूबसूरत नज़ारों के साथ मेरा सुबह का नींद खुलती है। जुलाई का महीना था और मानसून जस्ट शुरू ही हुआ था, इसलिए चारों तरफ ग्रीनरी भरा हुआ था। इतनी रात को सोने के बाद भी मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गया। जब भी मैं कहीं पे घूमने निकलता हूँ ना, तो मेरा नींद कम होती है। 2020 में मैं एक बार वाइजाग गया था। वाइजाग से आरोको के लिए जो ट्रेन छूटती है वो बहुत सारे टनल जंगलों में से जाती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन मैंने वो मिस कर दिया था क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से वो ट्रेन बंद था, लेकिन वो नज़ारा शायद आज मुझे यहाँ पे मिला है। ये कोई कॉमर्शियल प्लेस नहीं है या आसपास शायद कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन भी नहीं है, इसलिए इतना सुंदर ट्रेन का जो जर्नी है वो लोगों से मिस हो रहा है। जैसे कि हमने चलते चलते देखा, पहाड़ की चोटी पे एक मंदिर था जो दूर से ट्रेन से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ऐसे खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ भी हमने बहुत सारे स्टेशन को भी कवर किए, जिसमें गया जंक्शन भी था,
ये ट्रेन गया होके जा रहा था और इसके बाद ही थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हुआ हमारे ट्रेन में, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ऐसे ही चलते चलते हमने कुछ और स्टेशन कवर किए, जैसे दहरियन सोन, ममुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और हमारा लेजेंडरी मिर्ज़ापुर। यहाँ पे पहुँचने के बाद ही मुझे थोड़ा घुसबाम्स आ गया था, क्योंकि मिर्ज़ापुर हमने सबने देखा है तो बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़ था और इस जगह पे आके मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा था। हमारा पानी जब भी ख़त्म हो जाता था हम स्टेशन से पानी भर लेते थे, ताकि हमें पानी की बोतल पे खर्चा ना करना पड़े। अभी कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया। रात से मैं कुछ हार्ड खाना नहीं खा रहा था, इसकी वजह यह था कि मुझे बाथरूम में नहीं जाना था, क्योंकि बाथरूम बहुत ही गंदा था। बाथरूम गंदा होने का एक कारण भी है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे 2 रात इस ट्रेन पर रहना है, तो 2 रात तक 40 पे जाना तो मेरे लिए एकदम नामुमकिन था। उसका मेन रीज़न यह था कि हमारा जो डिब्बा था वो ओवरक्राउडेड हो चुका था। ओवरक्राउडेड इसलिए हुआ था कि जितने लोग के वेटिंग लिस्ट टिकट थे या फिर जितने जनरल वाले टिकट थे सब लोग इसी कमरे में आ गए थे, और टीटी भी कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोगों को यहीं पे रख रहा था। शाम के 6:30 बजे भी ओवरक्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा लोग, हमारे दोनों के सीट पे हम 3 जन 4 जन करके बैठ रहे थे, 1 लोग 2 लोग तो सीट के अंदर ही चले गए एकदम सोने के लिए। ओवरक्राउड होने के कारण ही बाथरूम भी ज़्यादा यूज़ हो रहा था और उसके ठीक से साफ़ सफाई भी नहीं हो रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। ट्रेन तो वैसे भी 1.5 घंटा लेट हो चुका था और आगे चल के और भी लेट होगा। इस दौरान रात भी हो गया और दोपहर में थोड़ा सा दही खाने के बाद हम लोग ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, और ये हमारा दूसरी रात था इसलिए हम थोड़ा सा अभी हार्ड खाना खाना चाहते थे। तो हम दोनों ने डिसाइड करके अंडा बिरयानी ले लिया, कल सुबह जब स्टेशन में उतरेंगे तब बाथरूम यूज़ करेंगे स्टेशन का। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो आपको बता रहा था और अभी जो डिसीजन लिया, इसका कारण आप सामने देख सकते हो। आप खुद ही बताओ, अगर मुझे टॉयलेट लगा रात को या फिर पॉटी लगा तो मैं बाथरूम में कैसे जाऊंगा? जो चलने वाली रास्ता था, जो फ्लोर था, वो पूरा का पूरा बेड बन गया था इन लोगों के लिए। इन लोगों का भी कोई दोष नहीं है, इन लोगों को भी पहुंचना है कहीं ना कहीं पे, लेकिन हमारे लिए तो दिक्कत है ना। आप एक बार देखिए, मैं बाथरूम में कैसे जाऊँ यहाँ से? फ्लोर का है, मैं पैर कहाँ पर रखूँ? 1 सीट पर 4 जन, सीट के नीचे 4 जन, मतलब पैर रखने की जगह ही नहीं है कोई भी, और ये लोग ऐसे सो रहे थे, मतलब क्या बताए, देख के ख़राब भी लग रहा था, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। बस इन लोगों का भी जाने का कोई भी जगह नहीं था, और स्लीपर क्लास ऐसे होंगे तो जनरल में क्या हो रहा होगा, यही सोच के मैं थोड़ा घबरा गया। अगर कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस करना हो तो मुझे लगता है कि एसी में जाना या फिर फ्लाइट में जाना सही है, थोड़ा सा बजट बढ़ाओ और उसमें ही जाओ, क्योंकि बाथरूम का दिक्कत कुछ लोगों को रहता है। अगले सुबह मेरे लिए कुछ जल्दी आ गया, मैं बहुत जल्दी उठ गया, पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रहा था और ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। 8:15 का टाइम था और मुझे दिखा रहा था 11 बजे का अराइवल टाइम। सुबह के 11 बज चुके थे और हमने अपना सामान पूरा समेट लिया, क्योंकि थोड़ी देर में नासिक पहुंचने वाले थे हम लोग। आखिरकार मैं नासिक पहुंच गया। महाराष्ट्र में ये मेरा सबसे पहला कदम था, मतलब नासिक मेरा एंट्री पॉइंट था, एग्जिट कहीं और से होगा। मेरे साथ देखने वाले आप सभी को भी स्वागत है महाराष्ट्र में। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि स्टेशन पे उतरने के बाद ही मैंने सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसको ढूंढा, टॉयलेट। हाँ, मैं स्टेशन पे उतर के ही पहले टॉयलेट गया, फ्रेश हुआ, अपना ड्रेस फिर से चेंज किया, फिर हम आगे की जर्नी शुरू किए। अभी तक का जो भी खर्चा हुआ वो आपके सामने डिस्प्ले में है, ये सब टिकट प्राइस के साथ इंक्लूडिंग है। अभी तो सिर्फ नासिक पहुँचाऊँ, लेकिन मुझे जाना कहीं और पे है, वो सब अगले वीडियो में। तब तक के लिए